इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। तेरे बारे में जब सोचूं, आंख मेरी भर आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी का रनवे पर। यहाँ पर आपको मिलती है हिसाब किताब से संबंधित सही और सटीक जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रतिशत मुनाफा निकालना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अगर मैंने कोई वस्तु यानी कि प्रोडक्ट 180 रुपए का लिया है और 230 रुपए का बेच दिया है तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ का एक फार्मूला होता है जिसे हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे में 100। यह है प्रतिशत लाभ का फार्मूला। तो सबसे पहले हम लाभ पता कर लेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसे आपने 180 रुपए में लिया है, 180 रुपए में लिया है और इसी वस्तु को जो है कितने में बेच रहे हैं, तो 230 रुपए में बेच रहे हैं। तो इसी को आपने 230 रुपए में बेच दिया है तो आपका लाभ कितना निकल के आएगा। देखिए, 30 इधर 20 इधर, यानी कि 50 रुपए का लाभ आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। देखिए, यहाँ लाभ है ना, तो लाभ हमारा 50 निकल के आया है तो लाभ की जगह हम 50 लिख देते हैं। अब बटा है तो बटा का साइन लगा देंगे। नीचे में क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस प्राइस पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं। तो हमने जो है जो भी वस्तु खरीदे हैं उसकी प्राइस थी 180 रुपए, तो बटा में हम क्रय मूल्य लिख लेंगे यानी कि 180 रुपए को लिख लेंगे। तो यहां हमने जो है 180 को लिख लिया। अब गुणे में क्या है, गुणे में है 100, तो यहाँ हमने 100 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट के सरल कर लेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, एक जीरो से कट गया। अब यहाँ पर 50/18 गुणे में 10 बचा है, अब इसे काट लीजिए, 2 9 में 18 और 2 5 का 10। अब जो है 50/9 है तो ये तो किसी प्रकार से कटेगा नहीं और 9 और 5 से भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 50 गुणे में 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 का 0 और 5 5 में 25, कितना आ गया, 250 आ गया। और बटा में क्या है, 9 है तो हमने यहाँ 9 लिख लिया। अब जो है दोस्तों, यदि आप इसका भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.777, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ जो है साइड में जगह नहीं है, नहीं तो हम इसी के सामने लिख देते। अच्छा दोस्तों, यदि आपके पास मोबाइल फोन है तो उसकी भी मदद से आप ऐसे हिसाब को सेकंडों में कर पाएंगे। आपको क्या करना है, देखिए इसे हम मिटा लेते हैं, तो मिट गया दोस्तों। अब देखो, लाभ 50 है हमारा, तो आप कैलकुलेटर ओपन करके तो 50 को टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, बटा का मतलब होता है भाग, ठीक है, वहां आपको बटा का साइन नहीं मिलेगा कैलकुलेटर में, आप यहाँ इस बटा का मतलब होता है भाग, तो आप जो है 50 भागे में भाग का साइन लगा करके, नीचे 180 है ना तो 180 लिख लीजिएगा। इसके बाद गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लगा करके 100 है तो यहाँ पर जो है 100 लिख लीजिएगा। अब जैसे ही आप ओके की बटन दबाएंगे तो आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा, 27.777, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों,
आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक वस्तु का मूल्य 500 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 480 रुपए है। विक्रय मूल्य कहने का मतलब हुआ जिस प्राइस पर कोई वस्तु बेची जाए तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहाँ पर हमसे प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है जिसे हम लिख लेते हैं, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे में 100। यहां पर हमें हानि नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि जिस प्राइस पर हम वस्तु खरीदे हैं और जिस प्राइस पर वस्तु को बेचे हैं, तो हानि निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यानी कि जिस प्राइस पे हम वस्तु को खरीदे हैं तो 500 में खरीदे हैं, बेचे में कितने हैं 480 में बेचे हैं, माइनस विक्रय मूल्य 480 है, तो 480 लिख लीजिए। इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि, हानि कितना आया है, 20 आया है, तो हानि की जगह यहाँ आप 20 लिख लीजिए, और बटा का साइन है तो बटा का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 500 रुपया है, तो यहाँ पर हम 500 लिख लेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। अब इसे काट लीजिए, एक जीरो से कट गया, ये वाला जीरो इस जीरो से कट गया। अब यहाँ पर 20 बटा 5 बचा है, इसे भी काट लीजिए, 5 एकम का 5 और 5 एकम में 20, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यही जो है 4% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। यहाँ पर दोस्तों अगर पूछा जाता कि कितनी रुपए की हानि हुई है तो आप बताएंगे कि 20 रुपए की हानि हुई है। यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है तो आप बताइएगा 4% की हानि हुई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।